NWA, जिनको कि वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस ग्रुप भी बोला जाता था, और अपने टाइम पे उन्होंने हिप हॉप में गैंगस्टर रैप को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करने में भी हेल्प किया था। और हम ये भी बोल सकते हैं कि आज गैंगस्टर रैप जितना पॉपुलर है या फिर पास्ट में गैंगस्टर रैप जितना पॉपुलर था, उसमें NWA का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और वो इन्फ्लुएंस सिर्फ इंटरनेशनल हिप हॉप या फिर वेस्टर्न हिप हॉप में ही नहीं, हमारे देसी हिप हॉप में भी हमें देखने को मिला था। और अगर हम करेंटली या फिर करंट सीन की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे रैपर है जिनके साइड से उनके गानों में हमें गैंगस्टर वाइब देखने को मिलती है या फिर वो गैंगस्टर ट्रैक बनाते हैं। सो आज के इस कंपाइलेशन वीडियो में हम DHH के कुछ क्रेजी गैंगस्टर ट्रैक को देखने वाले हैं। इसमें से कुछ ट्रैक है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, लाइक 10 साल 12 साल पुराने हैं। कुछ बहुत ही रीसेंट ट्रैक भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, इसमें पंजाबी ट्रैक देखने को मिल जाएंगे तुम्हें, इंग्लिश ट्रैक है, हिंदी ट्रैक है, एंड इवन मैंने मराठी गैंगस्टर ट्रैक भी फीचर किया है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं DHH के गैंगस्टर ट्रैक के ऊपर कोई भी वीडियो या फिर कंपाइलेशन वीडियो बना रहा हूं, सो आई होप कि तुम लोग एंजॉय करोगे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। ये सोलो ये स्पिट तेरा चॉइस की रिमोट वाले म्यूट मेरे बिच मेक सम नॉइस बड़ा वॉइस ये सुनते थोड़ा ऊंचा कुछ कर दूं चमत्कार ये करने लगेंगे पूजा जनता लॉजिक नहीं देखती ये बात थोड़ी ट्रैजिक सब चोकर है साले ये सर्कस दिखाऊं इन्हें मैजिक ट्रिक। आर्टिस्ट है राइमी, गाने का नाम है डोंट फॉलो। सो मैंने भाई के गाने इसके पहले भी बहुत बार फीचर किए और लिटरली बता रहा हूं मैं, भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। भाई की स्पेशली मुझे वोकल डिलीवरी और जो फ्लो है वो बहुत सही लगती है। सो मैंने भाई के इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, तुम जाके चेक करो भाई का काम, तुम्हें फोर श्योर भाई का काम पसंद आएगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड सपोर्ट हिम। ओके, फिर ज्यादा लेट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द कंपाइलेशन वीडियो। लेट्स नाउ चेक सम क्रेजी गैंगस्टर ट्रैक ऑफ देसी हिप हॉप, लेट्स गो। गैंगस्टर रैप इन DHH, चलो भाई देखते क्या सीन है, चलो लेट्स गो भाई। मारपीट बचपन से चला ये शौक था, मन्नत था जॉब का करना है पॉप तो कर दिया टोट का भक्त बने सारे फक्स मिले। ओके, सो हमारे जो पहले रैपर है इनका नाम है रागा और गाने का नाम है कैसा है भाई। और अगर तुम रागा को पहले से सुनते आ रहे हो, लाइक मैंने रागा को डिस्कवर किया था जमुना पार से आई थिंक, और स्टार्टिंग से रागा के गानों में हमें गैंगस्टर वाइब देखने को मिल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें जमुना पार सुना है तो उसमें भी थोड़ी गैंगस्टर वाइब है, और धीरे धीरे जो गैंगस्टर वाइब या फिर जो जो गैंगस्टर बातें है रागा के गाने में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और करेंटली हमें बहुत ज्यादा गैंगस्टर साइड रागा का देखने को मिल रहा है। एंड एग्जाम्पल इज दिस ट्रैक, इसके अलावा भी और दो ट्रैक है जो हमें रिसेंटली देखने को मिले। सो फॉर श्योर रागा डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में, इस कंपाइलेशन में अपनी प्लेस, दैट्स व्हाई रागा इज हियर इन दिस कंपाइलेशन। सो शाउट आउट टू रागा, लेट्स गो। सारे शख्स हेले सारे आज भी पास घर से निकलने की बात थी लौंडा तू जानवरा सच्चे यारा ते मोटा पट्टा में नारा ते कल बेचे गीत हजारा दे आज सौदे करा हथियारा दे। ओके, सो हमारे अगले रैपर इनका नाम है नसीब और गाने का नाम है इन माई सिटी। सो अगर तुम पंजाबी हिप हॉप फॉलो करते हो तो तुम इन्हें अच्छे से जानते होगे, और अगर तुम हिंदी हिप हॉप लिसनर्स हो, लाइक तुम हिंदी के अलावा और तुम्हें कोई रैप सुनना पसंद नहीं है तो तुम इन्हें मे बी नहीं जानते हो। तो मैं बता देता हूँ कि ये पंजाबी रैपर है, बहुत अच्छे रैपर है। इनका गाना हमें सिद्धू मूसेवाला के साथ भी देखने को मिला है, लाइक बहुत सारे गाने में इन्होंने फीचर किया है, पर इनके बीच में बीफ हो गई थी सिद्धू पाजी से, फिर वो अलग हो गए थे। पर अगर हम इस गाने की बात करें, दिस इज अ प्रॉपर ड्रिल ट्रैक, लाइक इसमें नसीब का फीचर हमें देखने को मिला है, और इसमें लिटरली जो बंदे हैं उन्होंने स्की मास्क ये सब लगा रखा है। सो प्रॉपर ड्रिल ट्रैक गैंगस्टर वाइब हमें नसीब के साइड से देखने को मिला है, और नसीब के और भी जो गाने होते हैं उसमें रेगुलर आई थिंक गैंगस्टर वाइब हमें देखने को मिलता ही मिलता है। सो इस गाने का नाम है इन माई सिटी, चेक नहीं किया जाकर चेक करो, एंड शाउट आउट टू नसीब, लेट्स गो। मनु कोर कुंडिया मुच्छा च देसी जो लगया कोर लको वाला आता पसुन रस्ते चांगले अच्छा आपले पन माझा सोबत सुकी चवागले मस्ती जगले पन भडवे दोस्त। ओके, सो रैपर का नाम है संबाटा और गाने का नाम है नाको रास्ते चांगले, और गैंगस्टर ट्रैक की बात हो रही हो, गैंगस्टर वाइब की बात हो रही हो, और संबाटा डॉन उसमें फीचर ना करे ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। सो संबाटा इज अ मराठी रैपर, और इनके गानों में हमें हमेशा से गैंगस्टर वाइब देखने को मिलती है, तोड़ने फोड़ने वाली बातें होती रहती है, कॉमन है, बट ही इज रियली टैलेंटेड। अगर चेक नहीं किया इनका गाना जाके चेक करो, शाउट आउट टू संबाटा, लेट्स गो। Face to face, face to face, face to face,
सारे ब्लड। ओके सो रैपर है करण औजला और फीचर है कृष्णा का, गाने का नाम है YKWIM। और करण औजला की अगर तुम ट्रैक सुनते हो तो करण औजला के गाने में भी हमें गैंगस्टा वाइब लाइक देखने को मिलता है, लाइक रेगुलर देखने को मिलता है। और अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो तुम लिरिक्स सुन सकते हो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, करण औजला मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और इस गाने में फीचर है कृष्णा का, सो डेफिनेटली अ गुड गैंगस्टर ट्रैक जिसमें हमें गैंगस्टर वाइब देखने को मिला है। सो शाउट आउट टू करण औजला एंड कृष्णा, लेट्स गो। लो सुनो जिसने सुना नहीं गैंगस्टर रैप, कोविड फैला घुमा चेला लेके कार घरना बैठा चिल। ओके सो रैपर का नाम है रफ्तार और गाने का नाम है गोट। देखो सो रफ्तार के साइड से हमें गैंगस्टा ट्रैक या फिर गैंगस्टा वाइब थोड़ी कम देखने को मिलती है, और ये ट्रैक भी लाइक प्रॉपर गैंगस्टा ट्रैक नहीं है। इसमें रफ्तार लाइक फुल्ली गैंगस्टा बातें नहीं कर रहे, लिमिट में बातें हो रही है। और रफ्तार ने क्लेम किया है कि ये गैंगस्टर ट्रैक है, इसलिए मैंने इसको फीचर किया है। बट अगर ट्रैक की बात करें, ट्रैक बहुत सही है, तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा, और अगर नहीं सुना है भाई तो क्या करो, जाके चेक करो, ठीक है। सो शाउट आउट टू रफ्तार, लेट्स गो। डाकेर जिम्मेदार चिल्ला बदले सिंपल सी बातें तू समझा कर बस, तू हल्द्वानी से घंटा करता। अच्छा ओके सो ये प्रॉपर गैंगस्टर ट्रैक है, ठीक है। और ये जो रैपर है मॉब डी और द कैट, लाइक इनके मैंने बहुत सारे ट्रैक सुने और बहुत सारे ट्रैक में हमें गैंगस्टर वाइब या फिर गैंगस्टर बातें सुनने को मिली है। सो गाने का नाम है कैपिटल पनिशमेंट और रैपर जैसे मैंने बता दिया मॉब डी और द कैट। सो डेफिनेटली अगर तुम लोगों ने चेक नहीं किया जाकर चेक करना, एंड शाउट आउट टू मॉब डी एंड द कैट, लेट्स गो। ए सिंपल सी बातें तू समझा कर बस, सीटू हल्द्वानी से घंटा हाथ जटा हुंदा है मौजर टंगे आनी बाइक जी ना वचनी। ओके सो आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला और गाने का नाम है सेलिब्रिटी किलर। और सबसे पहली चीज लाइक मैंने इस गाने को आई थिंक ये गाना मेरे पिछले साल देखने को मिला था, और जैसे ही ये गाना आया था मैंने इस पर रिएक्शन किया था, और जब मुझे पता चला कि इस गाने को 5 बीट प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया है, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। लाइक मैंने कभी इसके पहले ऐसा ट्रैक नहीं देखा था जिसको 5 बीट प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया था। आई थिंक 4 या 5 बंदों ने प्रोड्यूस किया है इस गाने को। तो पहली चीज़ इस ट्रैक के बारे में मुझे यूनिक लगी थी वो थी, ठीक है। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के हमें गाने में गैंगस्टर वाइब देखने को मिलता है, लाइक अगर तुम सिद्धू पाजी को सुनते हो, और अब तो सभी सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुनते थे वो भी अब सुन रहे हैं, लाइक ठीक है। तो स्टार्टिंग से हमें गैंगस्टर वाइब देखने को मिलता है, एंड दिस ट्रैक डेफिनेटली हैज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गैंगस्टर वाइब। और अगर तुम सुनोगे ये गाना तो तुम्हें समझ में आएगा। वीडियो भी बहुत अच्छी है और लिरिक्स इज ऑल्सो रियली गुड, लाइक लिटरली वेरी गुड। मैंने बहुत सुना है और मैं अभी भी सुनता हूँ। सो शाउट आउट टू सिद्धू मूसेवाला द लेजेंड गोट, लेट्स गो। गैंगस्टर रैपर्स की बात हो रही है, गैंगस्टर ट्रैक की बात हो रही है, और उसमें एमसी स्टैन हमें देखने को ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। सो एमसी स्टैन इज हियर, गाने का नाम है बस्ती का हस्ती, एंड एमसी स्टैन के मल्टीपल ट्रैक्स में गैंगस्टर वाइब देखने को मिल चुका है अभी तक, ठीक है। और अगर हम इस ट्रैक की बात करें, अगेन दिस ट्रैक हैज दैट वाइब, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस ट्रैक इज इन दिस लिस्ट। सो शाउट आउट टू एमसी स्टैन, लेट्स गो। कैसे एक्टर है मैं जाने का दोस्तों के मैटर में, देखो मारने का मन इस गाने का नाम है पंगा और आर्टिस्ट है दिलजीत और फीचर है हनी सिंह का। सो हम इसे बोल सकते हैं कि ये इंडिया का या फिर देसी हिप हॉप का पहला गैंगस्टर रैप ट्रैक है, नहीं पहला नहीं है, आई थिंक बोहिमिया पाजी का जो पहला एल्बम आया था जिसका नाम था विच परदेसा दे, उसमें हमें गैंगस्टर ट्रैक देखने को मिला था। सो आई थिंक वो ट्रैक मैंने ऐड नहीं किया है, मैं भूल गया, अभी मुझे याद है, लिटरली अभी मुझे याद है। सो जब मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगा फोर्थ श्योर, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, चिल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हमारे पास बहुत वीडियोज है और मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। सो माफी मांगना चाहूंगा मैं बोहिमिया पाजी के फैन से, ठीक है, ठीक है, चलो। सो अगर हम इस गाने पे आएंगे वापस, तो दिस ट्रैक हैज अ गैंगस्टर वाइब, बहुत ही क्रेजी ट्रैक है। मैं आई थिंक 9th या 10th में था तब मैंने ये ट्रैक सुना था पहली बार, एंड लव द ट्रैक। और अभी भी जब मैं ये ट्रैक सुनता हूँ, हनी सिंह का रैप पार्ट स्पेशली बहुत सही है, ठीक है। सो शाउट आउट टू दिलजीत एंड यो हनी सिंह, लेट्स गो। ओके सो हमारा अगला ट्रैक है, इसका नाम है वीरोलेन, रैपर है सुब। और बहुत सारे लोगों को इस ट्रैक का रियल मतलब ही पता नहीं है, उनको लगता है कि नॉर्मल बातें हो रही है, नहीं हो रही है नॉर्मल बातें, दिस इज अ गैंगस्टर ट्रैक, ठीक है। अगर तुम्हें पंजाबी नहीं समझ आती है तो तुम इसका ट्रांसलेशन देख सकते हो यूट्यूब पे, तुम्हें समझ आएगा भाई शुभ भाई जो है जो अपने इतने शरीफ से लग रहे हैं, ये नहीं है शरीफ, इसमें पूरी गैंगस्टर बातें हो रही है, ठीक है, समझ गए तुम आई थिंक।
तो शाउट आउट टू शुभ। और इस गाने का जो ऑडियो है यूट्यूब में जो भाई ने अपलोड किया था वो 100 मिलियन मार्क को टच करने वाला है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा है, लाइक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इतना ज्यादा वायरल भी गाना कैसे हो सकता है यार। ठीक है, सो शाउट आउट टू सोप, लेट्स गो। मंगे जान जा लेंदे असि बैठे हां, लुक एट दिस नाउ, ही वाज माय डॉग बट ही टर्न्ड टू अ स्नेक व्हेन ही क्रॉस्ड दैट, दैट वाज माय ब्रो बट ही डिड मी। ओके, सो हमारे नेक्स्ट रैपर है, उनका नाम है AR पैसली, गाने का नाम है ग्राइंड, और ये जो है ये कैनेडियन बेस्ड रैपर है और इंडिया के, मतलब कनाडा में रहते हैं। ठीक है, और इनको मैंने सिद्धू मूसेवाला का जो रीसेंट EP आया था उसमें डिस्कवर किया था एंड ये गाना मुझे पसंद आया। फिर मैंने इनके पुराने गाने जाके चेक किए तो उसमें से ये गाना मुझे बहुत पसंद आया और इस गाने पे गैंगस्टर वाइब भी है, दैट दिस इज अ गैंगस्टर ट्रैक, सो दैट्स व्हाई मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया। अगर तुम लोगों ने नहीं चेक किया जाके चेक करना, यू विल लव इट एज वेल, लेट्स गो। आई मी टर्न दिस बैक दैट ही लॉस्ट हिज माइंड, दैट शिट कट मी डीप बट ही गेव मी द नाइफ आई नीडेड। तेरे इलाके में झुंड में करते हैं कीड़ शिकार, कुत्ते ना जाते इलाके के बाहर, अच्छा इलाका शहर तो जंगली में शेर रखा। ओके, सो हमारा जो लास्ट ट्रैक है, दिस इज द लास्ट ट्रैक, ठीक है, लास्ट ट्रैक है, इसका नाम है इलाका, आर्टिस्ट है लिल गोलू और लिखारी और एजें, एंड अगेन अ डिसेंट ट्रैक। मैंने ये ट्रैक बहुत पहले सुना था, आज मैं कंपाइलेशन बना रहा था तो मुझे अचानक से याद आया कि ये ट्रैक भी है जो गैंगस्टर ट्रैक है, सो मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया। अच्छा ट्रैक है, जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। सो शाउट आउट टू लिल गोलू, और लिल गोलू का मुझे प्रोजेक्ट चाहिए भाई, एल्बम या फिर EP लिल गोलू के साइड से चाहिए, सो लेट्स गो। कदम तेरे इलाके में देख कर मुझे फेस, करूं मैं वेट। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द कंपाइलेशन ऑफ सम ऑफ द क्रेजी गैंगस्टर ट्रैक ऑफ देसी हिप हॉप, और मुझे पता है मैंने बहुत सारे ट्रैक मिस किए, तुम नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, जैसा मैंने बोला कि ये आखिरी वीडियो नहीं है इस चैनल का, इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे, इस वीडियो का पार्ट टू भी मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा। मुझे पता नहीं था, मैं जस्ट एज एक्सपेरिमेंट बना रहा था कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा नहीं आएगा, अगर पसंद आता है ये वीडियो तो इसका पार्ट टू मैं फोर श्योर लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं और भी ट्रैक, जैसे मैंने बोहेमिया पाजी का ट्रैक मिस कर दिया अभी मैंने बताया, तो ऐसे ही और भी ट्रैक जो तुम नीचे कमेंट करोगे या फिर जो मुझे याद आएगा मैं सेकंड पार्ट में फोर श्योर ऐड कर दूंगा। और अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूं, फन वीडियोस बनाता हूं, रिसेंटली इसमें मैंने ओमेगल वीडियोस डाल रखा है, मीम रिव्यूज डाल रखा है, और एमीवे और जो कृष्णा का बीफ चल रहा था उसके ऊपर भी मैंने मीम रिव्यू बनाकर डाला है, बहुत क्रेजी वीडियो है, तो डेफिनेटली वो चेक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से, उसमें हमें 8K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, सो जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर तुम मेरा शॉर्ट्स चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर तुम मीम सबमिट करना चाहते हो तो मीम मेरे रेडिट मीम का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।